भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी एवं कुबेर जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको धनतेरस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के माध्यम से आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था, तो इस दिन भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया था और इस दिन भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और उस अमृत का बंटवारा समस्त देवताओं के माध्यम से देवताओं ने प्राप्त किया था। तो इस दिन चूंकि अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन होता है तथा धन की देवी माता महालक्ष्मी एवं कुबेर जी का भी विशेष पूजन अर्चन होता है और सभी लोग इस दिन नई वस्तु की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन धातु की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। सोना चांदी के बर्तन या उनके आभूषण खरीदना या पीतल तांबा का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। चूंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के इस दिन निकले हैं, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने से विशेष समृद्धि प्राप्त होती है। और इसी तरह धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए। धन की देवी माता महालक्ष्मी और कुबेर का पूजन प्रदोष काल में संपन्न किया जाता है और इस दिन यदि आप माता महालक्ष्मी की परम प्रिय वस्तु यानी माता महालक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय लगने वाली कोई वस्तु है तो वो धनिया होता है। धनिया हम सब खरीद करके लाते हैं और जो भक्तजन इस दिन धनिया खरीद करके ला करके अपने घर में रखता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। उसका पूरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके घर की दरिद्रता यानी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके अपने घर में जरूर लाएं और सबसे पहले धनिया ला करके माता महालक्ष्मी को अर्पण करें और अर्पण किया हुआ धनिया सबसे पहले अपनी तिजोरी में रखें और उसके बाद अपने रसोई घर में जो धनिया रखने का पात्र होता है, जो भी डिब्बा आपके रसोई घर में धनिया रखने का हो उसमें आपको धनिया रखना चाहिए। इस दिन आप सूखा खड़ा धनिया जो कि बाजार में मिलता है खड़ा धनिया वो खरीद करके लाएं और अपने घर में अवश्य रखें। यदि आप इस दिन धनिया खरीद करके लाएंगे और अपने घर में रखेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी। माता महालक्ष्मी की पूरे साल आपके घर में जो है कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का सबसे पहले प्रदोष काल में शाम के समय यानी धनतेरस इस बार 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों दिन है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि जिस दिन प्रदोष काल में होती है उस दिन धनतेरस मनाना चाहिए। और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दोनों ही दिन यदि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि है तो अगले दिन की जो त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापिनी हो उसको ही धनतेरस के रूप में मानना चाहिए। तो 22 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन शाम को 6:02 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 23 अक्टूबर 2022 रविवार को शाम को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी।
तो सूर्योदय व्यापिनी तथा प्रदोष व्यापिनी जो सर्वोत्तम त्रयोदशी है, यानी धनतेरस का महापर्व 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन है, और सभी को 23 अक्टूबर रविवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में पंचांग अथवा कैलेंडर में 22 अक्टूबर के दिन धनतेरस लिखी हुई है तो भी आप मना सकते हैं, क्योंकि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही दिन प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी तिथि है, इसलिए दोनों ही दिन धनतेरस का पर्व आप मना सकते हैं। लेकिन पूरे दिन और सूर्योदय व्यापिनी जो त्रयोदशी तिथि है वो 23 अक्टूबर को ही है, इसलिए आप 23 अक्टूबर के दिन शाम के समय, शाम को 5:37 से लेकर के रात 9 बजे के मध्य सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, कलश का पूजन करें, और उसके बाद धन की देवी माता महालक्ष्मी एवं उनके साथ उनके स्वामी नारायण का पूजन करें तथा भगवान कुबेर जी का पूजन करें, और अपने घर की लक्ष्मी का, यानी अपने घर के जो भी रुपए पैसे गहने होते हैं उनका पूजन अर्चन करना चाहिए, और इस दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप दान भी करना चाहिए, क्योंकि लंबी आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम धन्वंतरी भगवान का इस दिन पूजन अर्चन करते हैं, और अकाल मृत्यु से बचने के लिए, नरक के दोषों से बचने के लिए, और सभी प्रकार के कष्ट और संकट के निवारण के लिए यमराज को इस दिन दीप दान करना चाहिए। इस तरह धनतेरस के दिन हम नए सामान की खरीदारी करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। इस दिन भूमि भवन आभूषण का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए घर में ग्रह प्रवेश करना भी अत्यंत शुभ माना जाएगा। इसके अलावा आप यदि कोई भी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं, नए व्यापार का शुभारंभ करना चाहते हैं, नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना चाहते हैं, तो धनतेरस एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाएगा, और इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी का इस दिन प्रागट्य दिवस है, इसलिए इस दिन को अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाएगा। इस दिन आप जो भी नया काम, शुभ काम, मांगलिक कार्य करेंगे तो आपको जो है उसमें कई गुना वृद्धि प्राप्त होगी, तथा देवी देवताओं की अपार कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो धनतेरस से संबंधित जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।